क्योंकि डॉक्टर साहब यहाँ थोड़ा सा ये भी मैं जानना चाहूँगा कि आप दर्शकों को बताते चलें कि एक नॉर्मल सक्सेसफुल इंटरकोर्स के लिए नॉर्मल पेनिस साइज क्या आप मानते हैं टेक्निकली? देखिए एक बात मैं आपको बताऊँ कि ये चीज़ डिपेंड करती है आदमी के, मतलब कई चीज़ें होती है इसमें, आदमी के हाइट के ऊपर, उसकी मतलब जो वो क्या मतलब जो वो फेमिलियल बैकग्राउंड रही है, क्या जेनेटिक कैरेक्टर रहे हैं, बहुत सारी बातों पर डिपेंड करती है। एनीवे सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि इसका कोई मतलब जो है वो निश्चित मतलब लंबाई या चौड़ाई नहीं कही जा सकती है, नहीं ऐसा कहीं मतलब जो है वो बुक्स में जो भी सर्वेक्षण हुए, जो भी रिसर्चें हुई उसके अंदर कहीं इंगित है। ये तो चीज़ इंजॉयमेंट के लिए या संतानोत्पत्ति के लिए आपको खुदा ने ऊपर वाले ने दी है। डजन क्वेश्चन अराइज कि दैट इज अ शॉर्ट और दैट इज द लॉन्ग, बट इफ दैट इज सक्सेसफुल फॉर द मतलब जो है वो इंजॉयमेंट, इफ देयर इज टाइटनेस, If there is all the things are right, तो I think मतलब जो small penis is okay. If there is any मतलब जो long वो penis is there and no any मतलब जो tightness, no any मतलब जो वो उसके अंदर कमजोरी है, बड़ी क्वेश्चन है। That's why मतलब जो don't be confused, इसमें मतलब यह वो लोगों को confused नहीं होना चाहिए। किसी भी स्वास्थ्य और sex संबंधी समस्या का समाधान पाने के लिए हमारे नीचे दिए numbers पर अभी call करें। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।